नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूं आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। भारतीय किसान यूनियन की बैठक संपन्न, 5 सूत्री मांगों को लेकर वीडियो को सौंपा ज्ञापन। शुक्रवार को अजीत मल के खंड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर में भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक आहूत की गयी। यूनियन के जिला अध्यक्ष उमाशंकर राजपूत के नेतृत्व में संपन्न हुई बैठक में किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष ध्यान सिंह राजपूत ने क्षेत्र के ग्राम प्रतापपुर में जल भराव की समस्या को लेकर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से किसान अपना सामान लेकर निकलने पर गड्ढों में गिर पड़ते हैं, साथ ही गांव में संक्रमित बीमारी फैलने की आशंका बढ़ रही है। लोक निर्माण विभाग भी इस मामले में आंखें बंद किए हुए बैठा है। वहीं यूनियन के तहसील अध्यक्ष केशव सिंह यादव ने कहा कि सरकार किसानों के जबरन क्रेडिट कार्ड बनवा रही है, जो गलत है। उन्हीं किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाए जाएं जिन किसानों की इच्छा हो। इस मौके पर 5 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन वीडियो को सौंपा गया। जिलाध्यक्ष उमाशंकर राजपूत ने बताया कि किसानों की समस्याओं को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन 18 मार्च को दिल्ली में किया जाएगा, जिसमें फफूंद रेलवे स्टेशन पर जनपद के सभी किसान एकत्र होकर ट्रेन द्वारा दिल्ली जाएंगे। अजीत मल औरैया से मोहम्मद तैयब की रिपोर्ट। आज अजीत मल ब्लॉक में भारतीय किसान यूनियन का धरना चल रहा है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? आज ये जो जनपद औरैया में ब्लॉक भागनगर में अजीत मल में जो मीटिंग हो रही है, वो हमारे किसानों की समस्याएं हैं। हमारा किसान दर्द मारा पड़ता और बहुत दुखी है। इन किसानों की समस्याओं के लिए शासन ने बहुत प्रलोभन दिए थे, लेकिन जब सत्ता में आने के बाद बैठ गई सत्ता पर, तो उन्होंने हमारे किसानों का ध्यान नहीं दिया। अन्ना जानवरों की समस्या है, वो भी उस पर भी कोई गौर नहीं किया। किसानों को 6,000 रूपये किसान सम्मान निधि के लिए दिया था, घोषणा की थी, वो भी करीब 50% लोगों को मिल पाया। 50% हम भी परेशान घूमते हैं, और जब भी इनके कार्यालयों में जाते हैं तो ये कार्यालय के जो संबंधित बाबू या अधिकारी हैं, वो ये कह के उनको भगा देते हैं कि तुमने ये आधार कार्ड नंबर गलत लिखा है, पासबुक गलत नंबर गलत लिखा है। तथा किसानों को जो वायदे किए थे वो एक भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और जब इसी तरह से हमारा पूरा राष्ट्र परेशान है, तो माननीय नरेश टकैत जी ने राष्ट्रीय आंदोलन किया है, जिसको हमें दिल्ली में हर 18 मार्च को दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा, जिसमें हमारे संपूर्ण देश के हर कोने कोने से किसान अपने परिवार सहित लाठी और डंडे झंडे के साथ जंतर मंतर पर उपस्थित होंगे और अपनी किसानों को मनवाने के लिए भारत सरकार के माननीय मोदी जी से संघर्ष होगा, बातचीत होगी। और जब तक वो हमारी मांगों को पूरा करने का ऐलान नहीं करते हैं या वो पत्र लिखकर के हमको अवगत नहीं कराते हैं, तब तक हम लोग वहां पर दिल्ली में ही आंदोलन में रहेंगे। जब तक इनकी मांगे पूरी हम लोगों की नहीं होती हैं, तब तक हम लोग वापस वहाँ से दिल्ली से नहीं लौटेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।